हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में और साथ ही साथ रोल ऑफ आर्किटेक्चर कि क्या रोल होता है आर्किटेक्ट का। क्योंकि मैं जितनी भी लाइक चीज़ें सर्च कर रहा हूँ तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन देखने को मिल रही हैं, वो भी बुक्स की, लाइक कि हम कमर्शियल स्पेस बनाते हैं, रेजिडेंशियल स्पेस बनाते हैं, इंडस्ट्रियल स्पेस बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। बट एक्चुअली में आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या फिर आर्किटेक्चर क्या है, तो उसके बारे में प्रैक्टिकलिटी नॉलेज की बात करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज की कि एग्जैक्टली में क्या होता है और हम कौन हैं, क्या हमारी एग्जिस्टेंस है। एज ए प्रोफेशन देखें तो हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारी। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए समझना पड़ेगा एक साइकोलॉजी को, तो बहुत शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब एक ह्यूमन बीइंग मीन्स एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो आने से और जाने तक का जो सफ़र होता है, तो उसमें अगर उसकी बॉडी में कोई भी इशू आता है, लाइक आने से लेके जाने तक कोई भी इशू आता है, तो वो कौन देखता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ भाई, इंसान को मीन्स आपको देखना है। तो अगेन वो एक, अगर आप देखेंगे कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के, ठीक है। फिर सेकेंड इशू की बात करते हैं कि जब इंसान रहने लगता है तो रहने के साथ साथ वो एक कम्युनिटी गैदर करता है, एक सोशल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है। तो इंसानों की फिर एक इशू होती है कि सोशल इशू होता है, तो उस चीज़ को देखने के लिए आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर होता है। उस चीज़ में जो हमें दिक्कत होती है तो वो लॉयर देखता है, ठीक। तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अगेन कि हमारे सोशल इशूज़ को देखना और समझना। फिर बात करते हैं कि अब ये रहने लग गए इंसान जो है, उसके बाद फिर चीज़ें आती हैं मीन्स पैसों के लेन देन को लेके, कि जब इंसान रहता है, कमा रहा है, खा रहा है, तो आप देखिए कि उन्हें मीन्स गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और अगर कंपनी रन कर रहे हैं तो उसकी चीज़ों का मीन्स इकोनॉमी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसी अगेन उसी से ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो उस चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसी है, ऑफकोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, उनको लाइसेंस मिलता है। अगर देखा जाए तो उनकी एग्जिस्टेंस जो है, उनको लाइसेंस मिलता है, वो उसके जवाबदेही हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा अगर कुछ भी हमारे साथ इशू होता है, इंसान के साथ इशू होता है। तो वही सेम चीज़ आता है कि अब जो इंसान है वो रहता कहाँ पर है, कौन सी लाइक रोड पे, पार्क में, घर में, कहाँ रह रहा है वो, कहाँ जा रहा है, कहाँ खरीद रहा है, कहाँ खा रहा है, कुछ भी है, तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो होती है हमारी, मीन्स आर्किटेक्ट की। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रहने की, इंसान के लाइक रहने से लेके खाना पीना, जो भी वो जिस भी स्पेस में जाते हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी स्पेस में जा रहे हैं, जिस भी क्लाइमेट में जा रहे हैं, तो उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होती है आर्किटेक्ट की। तो कहने का मतलब है इसलिए आर्किटेक्ट को लाइसेंस मिलता है, क्योंकि अगेन अगर कुछ भी इशू होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो हमें जवाब देना पड़ता है। अगर इसी में मैं आपको बताऊं थोड़ा डिटेल में कि एक आर्किटेक्ट जो होता है वो एक सोशल लीडर होता है, लाइक हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है कि हमें किसी का घर कैसे बनाना है, किस तरीके से हम उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। अगर मैक्रो लेवल पे बात करें, लाइक बड़े लेवल पे बात करें, तो आप कह सकते हैं कि शहर की प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी हम करते हैं अगेन। लेकिन अगर माइक्रो लेवल की बात करें तो जैसे कि रेजिडेंस बनाना, या फिर आप कह सकते हैं कि कमर्शियल स्पेसेस बनाना, पार्क बनाना, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, या अगर आप जैसे देखें कि आप हिस्टोरिकल कोई भी मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, तो उनकी देख रेख करना, वो सारी चीज़ें जितना भी बिल्ट स्पेस में, बिल्ट स्ट्रक्चर में आता है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हमारे अंडर ही सारी सारी चीज़ें, सारे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, प्लम्बिंग, जितनी भी इलेक्ट्रिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे अंडर आती हैं। तो हमें ही सारी चीज़ की हमें ही देखना होता है। अगर कोई भी चीज़ कल को इशू होता है, लाइक किसी का घर गिर जाए, कोई ब्रिज गिर जाए, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आर्किटेक्ट पर आती है, सबसे पहले जेल भी आर्किटेक्ट ही जाता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए जो हमें जो क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए क्या है। देखिए, अब जितनी भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, लाइक डॉक्टर, लॉयर, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आप नोटिस करेंगे इन सारी चीज़ों को कि जनरली इनकी जो पढ़ाई है वो 5 ईयर्स की होती है, और इन्हें प्रोफेशनल बोलते हैं। तो ये 5 ईयर्स की ऑफकोर्स इनकी पढ़ाई होती है, और इस 5 ईयर के कोर्स में, अब हम अगर मैं पर्टिकुलरली हमारे आर्किटेक्चर फील्ड की बात करूं, तो हम कोई चीज़ पढ़ते नहीं हैं, लाइक हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास मीन्स कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या कुछ किसी चीज़ को डिज़ाइन करना है, तो एक एक
थंब रूल है कि पहले आपको ये चीज़ देखनी है, फिर ऐसे डिज़ाइन करना है, फिर ये लाइन खींचनी है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, फिर वर्टिकल लाइन खींचनी है, और फिर एक घर बन जाएगा, यहाँ पर विंडो देनी है, यहाँ पर गेट देना है। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। हाँ, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ज़रूर हैं कि इतना तो एक्चुअली मिनिमम होना चाहिए, लेकिन कोई थंब रूल नहीं है। तो जनरली स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा इशू आता है कि जब भी वो पढ़ाई करते हैं तो बहुत बार स्टक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं टफ कोर्स है, क्योंकि इसकी कोई एक मींस वे नहीं है कि आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, या आप आर्किटेक्चर सीख जाएंगे, या डिज़ाइन करना सीख जाएंगे, प्लानिंग करना सीख जाएंगे। इसका कोई एक पर्टिकुलर कोई वे नहीं है। किताब में भी आपको कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती है, हर चीज़ एक्सपीरियंस्ड पे ही आपको फैकल्टीज़ जो हैं वो एक्सपीरियंस ही सिखाते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस सिखाएंगे कि हाँ ये वॉल जो है आपने गलत बनाई है, हाँ यहाँ पर जो डोर है वो आपने गलत बनाया है, हाँ जी ये अपने प्लानिंग है वो थोड़ी गलत की है, टॉयलेट को यहाँ नहीं वहाँ देना चाहिए। तो ये चीज़ें वो अपने एक एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। अब किसी फैकल्टी के लिए वो चीज़ सही हो सकती है, किसी के लिए गलत हो सकती है। अगर फैकल्टीज़ के लिए सही है तो एग्ज़ामिनर के लिए गलत हो जाएगा, लाइक जो जूरी देने आया है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, एक्सपीरियंस पर ही डिपेंड करती हैं। तो इसकी कोई पढ़ाई नहीं है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं कि कैसे पास करें, या हमसे डिज़ाइनिंग नहीं हो रही है। वो 50% डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन 50 के बाद उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, उसका एलिवेशन ट्रीटमेंट करना या कुछ भी। तो वो एकेडमिक इसलिए टफ भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने ए के बाद बी ही पढ़ना है, बी के बाद सी। आप आर्किटेक्चर है, आप डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन का मतलब है विजुलाइज करना, इमेजिन करना, क्रिएट करना, स्पेस को बनाना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी खुद के ऊपर है। आप चाहे तो उल्टा चला सकते हैं, चाहे सीधा चला सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली पूरा इंडिविजुअली हम पर ही डिपेंड करता है। आप बहुत बार देखेंगे कि हर एक आर्किटेक्ट जो होते हैं, जो फेमस आर्किटेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाने जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ से या बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, तो मैं अगर किसी का घर बनाऊँगा या कोई भी स्पेस को क्रिएट करूँगा, तो आप देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर को यूज़ करूँगा। मेरे हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एक डिप्रेस्ड वाली फीलिंग दिखेगी। वही कोई अगर बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, जैसे कि ज़ारा हदीद है, तो वो फ्लूडिटी पे बिलीव करती थी, फ्लूडिटी पे, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स पे, ऑर्गेनिक चीज़ों पे। तो उनके जितनी बिल्डिंग्स हैं आपको एक सेम लुक दिख जाएगा देखने को। तो कहने का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर एक वे नहीं है करने का इस कोर्स को। आपको हर चीज़ खुद सीखनी पड़ती है, इसलिए इसको 5 ईयर्स का कोर्स भी बनाया गया है कि आपको फ़ील करना है, इमेजिन करना है, उस स्पेस को जीना है। जब आप किसी चीज़ को बना रहे हैं उसमें फ़ील करके उस स्पेस को क्रिएट करना है, उस चीज़ को मीन्स कोशिश करना है कि आप अपने दिमाग में विजुलाइज़ कर सके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मीन्स इसकी पढ़ाई एकेडमिक्स क्या है, क्या आर्किटेक्ट का रोल है। तो एग्जैक्टली में आर्किटेक्चर भी वही है कि जिस भी चीज़ को हम देखते हैं, लाइक आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं फिजिकली, आप फर्नीचर देख रहे हैं, आप पेड़ देख रहे हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि पार्क देख रहे हैं, आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें फर्नीचर, इंटीरियर, मींस बिल्डिंग, जितनी भी चीज़ें हैं वो आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर चीज़ जो आप एक बिल्ट स्पेस में देखते हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आर्किटेक्ट की होती है, और इसी को आर्किटेक्चर कहते हैं। फिर इसी में एक चीज़ आता है कि हम इसी 5 ईयर्स एकेडमिक कोर्स में अगर आप देखेंगे तो हम हमारे लॉ खुद ही पढ़ते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी है। तो हमारे हमारे लॉ एंड ऑर्डर भी खुद ही पढ़ने पड़ेंगे कि हमें किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल करना है, क्या चीज़ें देनी है, कैसे चार्जेस लगाने, क्या चार्जेस लेना है, क्या प्रैक्टिस करनी है आर्किटेक्चर फील्ड में, और हमारी चीज़ों को कौन देखता है अगर हमें कुछ मीन्स इशू है किसी क्लाइंट से। तो हमारे कानून भी हम खुद ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है जैसे और अदर फील्ड्स की तरह कि आपने बस अपना कोर्स पढ़ा और आप निकल गए, ऐसा नहीं है। हमें अगर आप देखेंगे 4th या 5th ईयर में हमें हमारे कानून भी पढ़ाए जाते हैं, एक्ट पढ़ाए जाते हैं हमारी चीज़ों के, कि हम किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस केस में हमें जेल हो सकती है, किस केस में हमें जेल नहीं होगी, कैसे किस सिनेरियो से निकलना है, और कैसे किसी चीज़ को मींस किसी इवेंट को मींस ऑर्गेनाइज करवाना है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए आर्किटेक्चर का जो कोर्स है वो 5 ईयर्स का भी है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो COA देखता है। तो हमें कोई भी इशू है अगर एकेडमिक से लेके या रजिस्ट्रेशन से लेके हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो COA करता है। तो अब COA ने एक अथॉरिटी बना दी थी, मींस एक डिपार्टमेंट बना दिया, नाटा, जो कि एग्ज़ाम करवाता है। अगर हमें मींस कोर्स में एडमिशन लेना है, आर्किटेक्ट बनना है, तो हमें BR का कोर्स करना पड़ेगा। अब BR का कोर्स करने के लिए हमें नाटा का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नाटा की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कि आपकी PCM आपको लेना ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और साथ ही साथ 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। या फिर आप अगर 10th के बाद डायरेक्ट करना चाहते हैं आर्किटेक्चर, तो आपका डिप्लोमा लाइक इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में होना चाहिए डिप्लोमा, जो कि 10+3 जिसे बोलते हैं।
तो वो चीज़ होनी चाहिए, तो आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे लाइक नाटक एग्ज़ाम देने के लिए। फिर नाटक एग्ज़ाम देते हैं तो नाटक एग्ज़ाम दे के आप उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको जिस भी स्टेट में लेना है एडमिशन, उस स्टेट में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि आप नाटक का स्कोर लेके आइए, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम दीजिए। तो स्टेट वाइज भी अपने अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, पर नाटक एग्ज़ाम तो मैंडेटरी होता है, नाटक एग्ज़ाम या जेईई मेंस का एग्ज़ाम मैंडेटरी होता है कि आपको वो देने के बाद ही फिर आप उनके पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जितनी भी चीज़ें हैं वो सीईओ देखता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आर्किटेक्ट क्या है या आर्किटेक्चर का रोल क्या है। माइट बी पॉसिबल वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़रूर मिला होगा कि आर्किटेक्चर क्या है। थैंक यू।